रूस के लिए कितनी अहमियत रखता है ये संदेश, ये जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो वॉर मेमोरियल पर जाते हैं और वहां जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले मुझे उल्लेख करना है कि मोदी जी का संदेश ये कि मोदी जी और भारत सरकार रूसी लोगों के लिए सम्मान देते हैं, और रूसी होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी मॉस्को पहुँचा है, और मैं खुद आज भारत पहुँचाया हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ टीवी पर फॉलो कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर कि मॉस्को वाले लोग, रूसी लोग भी बहुत खुश है कि मोदी जी आए थे। और सबसे पहले मोदी जी ने कहा अच्छे उच्चारण से रूसी भाषा में प्रिवियत मस्कवा, मतलब यह नमस्ते मॉस्को और रूसी भाषा में, तो इसलिए ये दूसरा संदेश भी है कि हम लोग दोस्त हैं, तो हम लोग, मैं तो मॉस्को में हिंदी, उन्होंने सर कहा कागजिला, तो कागजिला, इसके बाद उन्होंने कहा कागजिला, प्रिवियत मॉस्को, नमस्ते मॉस्को, और इसके बाद कागजिला, लेकिन का क्या अर्थ है कागजिला, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कैसे हो, और मेरा मतलब ये है कि मोदी जी ने अच्छे उच्चारण से रूसी भाषा में ने कहा ये दो शब्द, ये बहुत अच्छी बात है, तो मतलब दरअसल वास्तव में मोदी जी सम्मान देते हैं रूसी लोगों के लिए, और हम लोग भी मोदी जी को और भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय भारत देश को सम्मान भी देते हैं जी। तो मुझे भी बोलना चाहिए कि भाषा के मामला ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि दिल्ली में और अलग अलग इंडियन नगरों में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट रूसी भाषा सीखते हैं, और हम लोग हिंदी भी पढ़ाते हैं, मैं तो खुद हिंदी टीचर हूँ, तो मेरे पास अभी 11 स्टूडेंट हैं जो हिंदी भाषा सीखते हैं, और ये सब लोग काफ़ी इंथ्यूजियास्टिक है क्योंकि समझते हैं कि हमारी दोस्ती का इतिहास बहुत लंबा है, मतलब हमारे दो देशों के बीच में दोस्ती का इतिहास बहुत लंबा से सोवियत समय से चलता है और अभी विकसित हो रहा है, तो ये तो आज और कल का संदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जी। प्रोफेसर मैक्सिम, बहुत शुक्रिया इस पर प्रकाश डालने के लिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्ट किया बहुत अच्छे उच्चारण के साथ, रूसी भाषा में उन्होंने बात की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कनेक्ट करने की जो कला है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भारत में भी अलग अलग प्रदेशों में जब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ की भाषा में लोगों के सामने कुछ बात रखें अपनी, ताकि वो एक कनेक्ट हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो दोस्ती से और आगे है, जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं भारत के लिए भी, रूस के लिए भी, वो इस दौरे के दौरान भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर आगे इसके बारे में और बात करेंगे कि क्या कुछ शिखर वार्ता के दौरान होगा। एक बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है वो ये कि मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में, रूस भारत के सुख दुख का साथी है, भारत रूस की दोस्ती सदा बहार है, यानी ये कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि हमारे सुख दुख का साथी हमेशा रहा है रूस, और ये दोस्ती सदा बहार है, यानी कुछ भी बदल जाए लेकिन भारत और रूस की दोस्ती है वो अपने आप में लंबे समय से चली आ रही है, और तमाम तरह के हालात आने और जाने के बावजूद वो नहीं बदली है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं, और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं।
सुख दुख का साथी, सदा बहार दोस्त, ये बहुत अहम बातें हैं जो कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष। और जिस तरह का इस वक्त दुनिया में एक हम वर्ल्ड ऑर्डर का रीअलाइनमेंट देख रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जो विदेश नीति है उसमें रूस के साथ संबंध भारत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इस बात को ही अंडरलाइन करता है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यही उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि समय अलग अलग रहा है लेकिन भारत और रूस की दोस्ती सदाबहार है, हालात बदलने के बावजूद हमारी वो दोस्ती रही है और हम सुख दुख के साथी रहे हैं, यानी रूस के भी सुख दुख के साथी भारत रहा है और भारत के भी सुख दुख का साथी रूस रहा। मनीष, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लगातार बने रहे हैं और शायद दुनिया में एकमात्र यही रिलेशनशिप है जो स्थिर रहा है। तमाम तरह के झंझट के बाद, तमाम तरह की चुनौतियों के बीच में बहुत कुछ बदला दुनिया में। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उदारीकरण का दौर आया, फिर आप देखिए कि एक देश दूसरे देश से लड़ते रहे, लेकिन इस बीच में जो कुछ नहीं बदला वो था रूस और भारत के बीच की दोस्ती, और उसी को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसको उन्होंने रूसी भाषा में भी कहा द्रुजवा, मतलब भरोसेमंद दोस्त। और जिसी उसी दोस्ती की दुहाई देने के लिए आज दोनों नेता जब बात कर रहे हैं या फिर जिसको पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देने की कोशिश की तो रूस ने भारत को मदद दी, वहीं जब रूस और अमेरिका के बीच आज इस जंग की नौबत आई है तो रूस ये बता रहा है कि हम इस मामले में केवल हम यहां आपके साथ नहीं मिला रहे हैं, शांति की जरूरत है उसे भी हम प्रेसिडेंट पुतिन को कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके साथ खड़े हैं, हमने तेल खरीदा तमाम विरोध के बावजूद, हम विजिट कर रहे हैं तमाम विरोध के बावजूद, हम आगे भी संबंध बनाए रखेंगे, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश इतना दबाव दे रहे हैं। मनीष, एक अहम बात यह भी है कि भारत ये कर पा रहा है, भारत अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को जैसे वो चाहता है, जिन शर्तों पर चाहता है, बहुत हद तक उसी तरह से आगे बढ़ा रहा है, और उसी तरह से भारत रूस के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए है, जो हमारी दोस्ती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में जो सहयोग है वो हम पहले से भी चल रहा है और बढ़ा भी रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। भारत अगर ये कर पा रहा है तो वो क्या इस वजह से नहीं है कि भारत की अहमियत दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, भारत का जो स्थान है, भारत ने जो अपने लिए जगह बनाई है, भारत की जो ताकत है, भारत के जो 140 करोड़ लोगों की ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी अहमियत है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप की दोस्ती बहुत अहमियत रखती है लेकिन आप क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए अगर कोई दूसरा देश होता और वो कहता तो जरूरी नहीं है कि उनकी बात सब सुनते, लेकिन भारत ये कह पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, पिछले 3 साल में अगर एक बार पूरी दुनिया में सर्वसम्मति बनी तो वो बनी जब G20 में भारत ने रूस यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, और उसके बाद से देखिए भारत अकेला ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ बात कर रहा है। अभी मुझे प्रोफेसर मैक्सिम यही बात कह रहे थे कि आपके स्टूडियो में ये जो 4 लीडर की तस्वीरें लगी हुई है, ये तस्वीर ना यूरोप में आपको किसी टीवी स्टूडियो में दिखेगी ना मॉस्को में दिखेगी, क्योंकि दोनों पक्षों की बात कोई नहीं करता, सभी पक्षों की बात कोई नहीं करता, ये केवल भारत कर रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रोफेसर मैक्सिम से भी इस पर बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, मॉस्को में भारतीय लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत रूस के रिश्ते में गर्मजोशी रहती है, यानी ये हमेशा रहती है गर्मजोशी, दुनिया कह रही है कि भारत बदल रहा है, भारत की रफ्तार देख दुनिया हैरान है, कहा प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है, दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है, आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना,